पहलू खान मामले में अलवर की अदालत के फैसले के बाद से गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पहलू खान के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या भीड़ की आड़ में की गई वारदात की कोई सजा नहीं। इन सवालों से घिरी कांग्रेस सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने मामले की SIT जाँच की बात कर जहाँ एक तरफ लोगों को न्याय की उम्मीद दिलाई तो वही बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ाई है। पहलू खान मामले को 2 साल बीत चुके हैं। 2017 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के राज में हुए इस केस में जब लोगों का गुस्सा भड़का तो बीजेपी ने जांच के आदेश दिए, आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला, लेकिन जैसे ही आक्रोश के सुर शांत हुए मामले की जांच भी धीमी पड़ गई और फाइलों पर परते जम गई और अब अलवर कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर केस को ही बंद कर दिया। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। बीजेपी की गलती को कांग्रेस की भूल समझ कर गहलोत सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन सरकार ने एक्शन मोड में आकर जहां एक तरफ राजस्थान हाई कोर्ट में जाने की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ इसकी जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश भी दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया। SIT मुख्य रूप से पहलू खान केस की जाँच में खामियां और मिलीभगत कर आरोपियों को बचाने वाले अधिकारियों की पहचान करेगी। SIT मामले की पड़ताल में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने के साथ ही मौखिक और कागजी साक्ष्य भी एकत्रित करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट 15 दिन में राज्य सरकार को सौंपेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने आरोपियों के बरी होने की फाइल मंगवाकर विधि विभाग से हाई कोर्ट में अपील करने की अनुशंसा कर भिजवा दी है। सोमवार को कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर पहलू खान के बेटे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे न्याय की उम्मीद बंधी है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर न्याय की आस जगाई थी। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को ही घेरा, लेकिन अब खुद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे मामले पर पड़ी परतें हटेगी वैसे वैसे तत्कालीन सरकार की कमियां सामने आएंगी, यानी कांग्रेस बीजेपी की गलती को उजागर करेगी। अब देखना होगा कि जांच में कौन सच्चा और कौन झूठा निकलता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।